फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जोमेटो के Q1 नतीजों के बारे में। जोमेटो के दोस्तों Q1 रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, कैसे नतीजे निकल के आए हैं और सबसे बड़ी बात, क्या कल आपको स्टॉक इस पर रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा, कल कैसा करता हुआ नज़र आएगा, इस वीडियो में ये बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर जाना। एंड फ्रेंड्स, आप चाहे तो हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, द शेयर बाजार। यहाँ पे आपको हर दो दिन में एक नई वीडियो आती हुई देखने को मिलती है, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा इस चैनल को। इस चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे गिवन है, तो आप जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जोमेटो के नतीजे कैसे निकल के आए हैं, कैसे यहाँ पे कंपनी ने किया है। तो फ्रेंड्स, जोमेटो के नंबर्स का मार्केट को भी देखिए बेसब्री से इंतज़ार था और नंबर्स अब निकल के आ चुके हैं। नंबर्स यही है कि देखिए, कंपनी अभी भी आपको यहाँ पे लॉस में ही देखने को मिलेगी और लॉस पहले भी था और अभी भी दोस्तों यहाँ पे आपको लॉस ही देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पर नज़र डालते हैं। तो फ्रेंड्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखिए 2660 मिलियंस, यानी आपको जो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू था पहले वो 2660 मिलियन पे देखने को मिलता था, जो बढ़ के अब आपको 844 मिलियन के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी साफ साफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कंपनी का रेवेन्यू 266 करोड़ से बढ़ के दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू 844 करोड़ के आसपास आपको रहता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी आप देखिए कितना बड़ा जंप आया है YOY, आप देखिए कितना बड़ा आपको यहाँ पे जंप आता हुआ देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप नज़र डालेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू यहाँ पे 692 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था, वो अब बढ़ के 844 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी 844 करोड़ का जो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू था, वो जो आपको पहले 692 करोड़ देखने को मिलता था, वो 844 करोड़ देखने को मिल रहा है। यानी Q-on-Q एज वेल एज ऑन YOY दोनों में आपको एक बड़ी जंप यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में आती हुई देखने को मिली है, जो डेफिनेटली दोस्तों अपने आप में एक बहुत बढ़िया संकेत है, अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। और यही दोस्तों कंपनी ने सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया है। अगर आप कभी भी जोमेटो जैसी कंपनी के नंबर्स देखें तो देखिए, ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि कंपनी लॉस आपको फेस करेगी, आपको लॉस यहाँ पे कंपनी रिपोर्ट करने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कंपनी की आय कितनी बढ़ रही है, तो आय में दोस्तों साफ साफ आपको देखने को मिलेगा जो पहले 283 करोड़ के आसपास देखने को मिलती थी, वो अब आपको 916 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। यानी 280 करोड़ की जो कंपनी की इनकम थी, वो आपको 916 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है, जो अपने आप में दोस्तों एक बड़ा जंप दिखाता है करीबन 26% का। और 26% का राइज अपने आप में दोस्तों बहुत होता है, डेफिनेटली कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से कंपनी का यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा रेवेन्यू, वो दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और जो पहले आपको 750 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू था, सॉरी इनकम थी, वो आपको बढ़ के 916 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। यानी कंपनी का ओवरऑल आपको जो यहाँ पे रेवेन्यू है, इधर 26% का जंप है और यहाँ पे आपको ज़्यादा बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। तो ये दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी की इनकम, दोनों दोस्तों कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और ये कह सकते हैं कि जितना आपको एक्सपेक्टेशन था उसके आसपास यहाँ पे कंपनी ने अपना इनकम और रेवेन्यू शो कर दिया। लेकिन मेन फिगर हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट तो काट ही दीजिए, हमको देखना है दोस्तों लॉस कितना किया है। तो लॉस दोस्तों यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, लॉस फॉर द पीरियड कितना आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा पहले सिर्फ 99.8 करोड़ का लॉस था, जो अब आपको बढ़ के 360 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। यानी कंपनी का जो फिगर है लॉस का, वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 99 करोड़ के लॉस के सामने कंपनी 360 करोड़ के लॉस यहाँ पे आपको फेस करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वो 134 करोड़ का लॉस था, वो यहाँ पे बढ़ के आपको करीबन देखने को मिलेगा 360 करोड़ के आसपास। यानी दोस्तों कंपनी का लॉस YOY एज वेल एज ऑन Q-on-Q दोनों में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। यानी कंपनी आपको जो घाटे में थी, वो और ज़्यादा नुकसान में आपको यहाँ पे पेश करती हुई देखने को मिल रही है। पर क्यों करती हुई देखने को मिल रही है, इसका बड़ा रीज़न है दोस्तों, कंपनी का जो आप देखेंगे यहाँ पे काम काज है, वही दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉस देखने को मिल जाता है। और दूसरी बात दोस्तों, कंपनी का खर्चा आपको देखने को मिलेगा, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, ये सब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, जिसके कारण कह सकते हैं दोस्तों आपको इस क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अब कंपनी ने क्या कहा है, देखिए अपने नंबर्स के ऊपर ये भी जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, कंपनी ने क्या कहा है, सबसे साफ साफ बात है कि जान लीजिए, कंपनी ने कहा है लेट स्टार्ट विद द गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ क्या है, कंपनी का दोस्तों जो एडजस्टेड रेवेन्यू है वो आपको 26% बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है,
क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 11.6 बिलियन डॉलर के आसपास रहेगा करीबन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी कंपनी की ग्रोथ आप देखेंगे तो वो बढ़िया आपको देखने को मिल रही है। और ये जो ग्रोथ है ये आपको Q1 FY21 के बाद जो इम्पैक्ट देखने को मिला था फर्स्ट वेव का, उसके बाद से सबसे बढ़िया नंबर्स कंपनी पेश करती हुई देखने को मिल रही है। और ये ग्राफ आप देखिए Q1 FY21 में जहाँ पे करीबन कंपनी ने 3.5 बिलियन का यहाँ पे कारोबार किया था, अब आप देखिए यहाँ पे 11.6 बिलियन के कारोबार करती हुई नजर आ रही है, जो साफ साफ दोस्तों आपको एक बढ़िया राइज दिखाएगी। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आप देख लीजिए 26% का यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है कंपनी के यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब देखिए कंपनी ने क्या कहा है और आगे इसके ऊपर हम नजर डालते हैं, तो देखिए कंपनी का जो एडजस्टेड एबिटा है वो आपको 1.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास देखने को मिलेगा लॉस, जो डेफिनेटली यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिया फूड डिलीवरी जो दोस्तों यहाँ पे GOV नंबर निकल के आता है वो दोस्तों कंपनी ने कहा है कि सबसे ज़्यादा कंपनी ने रिपोर्ट किया है, हाईएस्ट एवर GOV नंबर ऑफ ऑर्डर्स ट्रांजेक्टिंग यूजर्स एक्टिव रेस्टोरेंट पार्टनर्स एंड एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स टिल डेट इन एनी क्वार्टर। इंडिया फूड डिलीवरी GOV इन Q1 FY22 ग्रो बाय 37% Q1Q2 INR 45.4 बिलियन और INR आप देखेंगे यहाँ पे तो साफ साफ को देखने को मिलेगा Q4 FY21 में आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। यानी कंपनी का साफ साफ कहना है कि उनका जो दोस्तों जो यहाँ पे डिलीवरी का ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, हाईएस्ट एवर रिपोर्ट किया है। तो अब फ्रेंड्स सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए कि क्या कल शेयर के अंदर आपको मूव देखने को मिलेगा अपसाइड या डाउनसाइड, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जोमेटो ने जिस तरह से आज आपको यहाँ पे कह सकते हैं कि मूव दे रहा था वो साफ साफ था कि देखिए मार्केट को पता है कि नतीजे ख़राब ही निकल के आएंगे और नतीजों से देखिए बाज़ार की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, बिकॉज आपको पता है कि कोविड का काफ़ी इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला जोमेटो के ऊपर और वही अभी आपको नंबर्स में पेश होता हुआ नज़र आ रहा है। और नंबर्स का रब ऑफ देखिए आज ही मार्केट में आपको आता हुआ देखने को मिल गया और पिछले 5 दिन में आप देखिए करीबन 10% 11% के आसपास की गिरावट साफ साफ देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या यहाँ पे खरीदारी बनती है, क्या हमको खरीदारी करके चलना चाहिए, तो यही है कि अभी खरीदारी करने से बचे। देखिए कल डेफिनेटली एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात हमको देखना होगा कि 100 रुपये का जोन को ये काटना नहीं चाहिए। अगर 100 रुपये के जोन को ये तोड़ देता है, 100 रुपये के नीचे ट्रेड करने लग जाता है तो आप मान के चलिए गिरावट यहाँ पे आपको संभव है, गिरावट आती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 110 के ऊपर ये मेंटेन रहता है, और देखिए कल गिरावट कितनी आ जाएगी, गिरावट मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 5% मान के चलिए या फिर 8% मान के चलिए, इससे ज़्यादा गिरावट यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि देखिए एक दिन में देखने को मिलेगी। मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, मैक्सिमम रेंज 5-8% की गिरावट आपको कल बनती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये गिरावट क्या खरीदारी का मौका है, तो देखिए डेफिनेटली एक बार खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज कंपनी की कमेंट्री साफ साफ यही कि आगे जिस तरह से बिजनेस बढ़ता जा रहा है आने वाले क्वार्टर्स में आपको और यहाँ पे कंपनी आपको स्ट्रेंथ शो करती हुई नजर आएगी, कंपनी और वेल परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। और वेल परफॉर्म अगर ये शो करेगी तो डेफिनेटली यहाँ पे खरीदारी एक टाइम पे आप कर सकते हैं। तो यही कि कल जहाँ पे भी गिरावट मिले, अगर आपको मौका मिले करीबन 110 रुपये से लगाकर 120 रुपये के बाइंग जोन का, डेफिनेटली मिलना चाहिए। लेकिन 110 से 115 जोन मोस्ट सुटेबली जोन होगा बाइंग का, या फिर आप कह लीजिए 110 से 100 रुपये का, इसके बीच में जब भी आपको मौका मिले बाय करके चलिए। और टारगेट रखिए दोस्तों यहाँ से फिर जब अगर शेयर यहाँ पे 130 रुपये के जोन को काट देगा तो फिर 140 रुपये 150 रुपये के जोन में आपको टच करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल ने अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।